जिम्बाबे का मैच था आज, काफी जोशो खरोश था हमारे थी भाई इंडिया से हारने के बाद अब पाकिस्तान फाइनली जिम्बाब्वे के साथ जीत जाएगा और 2 पॉइंट अपने कीमती हासिल कर लेगा। पर अब सिर्फ पाकिस्तानी टीम को यही कहना चाहूंगा कि भाई अपना एक बैग वैग तैयार करो, बिल्कुल रेडी शेडी हो, गैस पकड़ो यही का वहां पे और निकलो सीधा पाकिस्तान, क्योंकि अब हमें नहीं लगता कि तुम सेमीफाइनल जा सकते हो। सेमीफाइनल जाने के लिए हम लोग को ही काम करना होगा, वो काम ये होगा हमें मुसल्ले पे बैठ के, जानवाज बैठ के, मस्जिद में बैठ के, हर जगह चलते फिरते आप लोगों के लिए दुआ करनी पड़ेगी ताकि पाकिस्तान जीत जाए जीत जाए जीत जाए। बस यही करना रहेगा हमारी जिंदगी में, हम सुकून से कभी भी एक मैच जीत नहीं सकते। पहले इंडिया से हारे तो हमने कहा था वेल प्लेड पाकिस्तान, होता है यार, हो गई गलती, हो गई, किंग कोहली ने आपको अच्छा खेला, अच्छा फेस करा, वो डोमिनेशन दिखाई अपनी, पूरा जीत गया, मसला नहीं। जिम्बाब्वे तो जीत जाओगे, पर नहीं पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम जिम्बाब्वे को 130 पे रोक के भी हम 129 पे हार जाएंगे, क्योंकि जिम्बाब्वे को पॉइंट भी तो दिलाए थे, क्योंकि जिम्बाब्वे आगे कैसे जाएगा, पाकिस्तानियों के दिल की हार्ट बीट कैसे बढ़ानी है, पाकिस्तानियों ने वो काम कर दिया। सही है, अब सीन क्या है वो आपको दिखाता हूँ, जरा देखते रहिए आप भी। साहब जी, उनके 5 ओवर में 42 हुआ था और एक खिलाड़ी आउट हुआ था जिसका नाम था एरविन, 19 बॉल पे 19 बना के आउट हुआ है, और हमारे सीन पर क्या करें वो भी आप देख लीजिए। बाबर आजम मुंह लटकाए नीचे जा रहे हैं, 9 बॉलों पे 4 बना के, और पहली विकेट कब गिरी है, 13 पे 1, यानी 13 रन 1 विकेट, और ओवर कितने हुए, 4th ओवर चल रहा है, यानी 3.3 का ओवर चल रहा है। आगे भी देखते जाइए भाई, बहुत मजे आने वाले हैं आपको। मुंह लटकाए बिल्कुल सर को नहीं झुकाए जिसम सर मोहम्मद रिजवान कहते हैं, 16 बॉलों पे 14 रन, दूसरी विकेट 23 पे 2 हो गए, और ओवर कौन सा चल रहा है, 5वां। अब जिम्बाब्वे का क्या था, 5 ओवर में उन्होंने 42 यानी 43 के ऊपर उनकी पहली विकेट गिरी थी, हमारी 2 विकेट गिर गई हैं 23 के ऊपर। ये थी हमारी आज की बैटिंग लाइन। ये आए हैदर अली, बड़े ये पहली बॉल लगी डायरेक्ट, ये देखे आउट, इनको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्लियर प्लम्स, ये लो आउट, चलो वह निकलो, हैदर अली अंडे पे आउट। आपने देखा हैदर अली क्या शॉट खेला है, बिल्कुल सेंटर की लाइन आ रही है, ना स्विंग हो रहा है ना स्विंग हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। पर साहब जी एलबी हो गए, एलबी होने की वजह क्या है, बॉल को सिंगल लेना है भाई, स्टोनिक को देख लेते हैं, खुदा के बंदे हैदर अली इतने टाइम से पाकिस्तानी टीम के साथ है, कुत्तों कर लेता। मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, किरमिच खेलता हूँ, यानी टेनिस बॉल से भी खेलता हूँ, हार्ड से भी खेली है मैंने क्रिकेट, पर जब हमें लगता है कि बिल्कुल बॉल स्टेट में आ रही है, यानी हमारे बिल्कुल फ्रंट लेग के ऊपर आ रही है, तो हम एक काम करते हैं, इसको बॉल को पकड़ते हैं और सीधा बॉडी लाइन के बाहर भुजा देते हैं। पर हैदर अली को करना नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई टीम में और रहना है, थोड़े पैसे वैसे छापने, पर्ची असल में ये थे इमामुल हक को तो हम बेफजूल पर्ची पर्ची कहते रहे, पर्ची तो हैदर अली है साहब, यहाँ बनती थी जगह आसिफ अली की और टीम में डाल दिया हैदर अली को। आगे भी देखिए भाई बहुत सारी चीजें हैं, 3 रन चाहिए थे, नवाज साहब फेस कर रहे हैं, करते क्या है वो देखिए आप, ये बॉल उठाया, अबे खुदा के बंदे ये कैच आउट हो गए और चलते बने 18/22। आफरीदी जो बॉलिंग में भी कुछ नहीं कर पाए और यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे, देखें क्या करते हैं ये। तो ये एक बॉल पे 3 रन चाहिए, देखें ये भागे रन बनाया, ये आउट हो गए जी भैया, लो लग गए इनके, मतलब पाकिस्तान मैच हार गया। अब हारने की वजह कितनी सारी है, ये जी ये देखें किस तरह हारे, अब इन लोगों को कौन बताया कि भाई हारना ही है तो घर पे आ जाओ, खेलना बंद करो, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कुछ तो समझो भाई। ये देखें नसीम शाह कुछ भी नहीं करा हुआ, ऐसे ही आया हुआ भाई। तो भाई पूरी पाकिस्तान के मैच की एक समरी दो ना आपको सिंपल, हैदर अली पर्ची जो आसिफ अली को खेलना चाहिए, आज वो खेल कौन रहा है, हैदर अली, क्योंकि लंबी पर्ची है भाई, पर्ची बड़ी तगड़ी है भाई, एक बात कहूं, स्टेट के बॉल को भी सिंगल लेना है भाई, सिंगल लेना है हमें, नहीं छोड़ दो मेरे मुंह से कुछ और अल्फाज निकलने वाले इसके लिए। और बाबर आजम रिजवान सर रिजवान कहते हैं हम आपको, बराए करम अगर नहीं खेला जा रहा और आपको लग रहा है कि हमारी फिटनेस नहीं है, हमें कुछ प्रेशर हो रहा है, एक काम करो नीचे बैठ जाओ, शान महसूद अच्छा खेल रहा है, ओपनिंग करने दो, और हो सके तो बाबर आजम या हो सके फखर आजम, बंदो फखर आजम बैठा हुआ है यार, उसको खिला लेते, कुछ तो कर जाता भाई, वो 18-17 बॉल के ऊपर तकरीबन 34-35 मार के आउट हो जाता ना यार, वो 34-35 रन ही चाहिए थे वो बॉलिंग। अबे भाई यॉर्कर मारो ना, टांगे तोड़ो ना, ये वाइटों के ऊपर क्यों लगे हुए होते हो, ये वाइट अबे एक्स्ट्रा कितने, जितनी वाइट एक्स्ट्रा दिए ना वो एक्स्ट्रा से जीते हैं सारे, ये कोई करा नहीं है उन्होंने, तुमने एक्स्ट्रा करके जितवाया उनको, वो जीते नहीं है। इंडिया के खिलाफ जब मैच हुआ था हमने कहा था चलो वेल प्लेड
हो गई गलती भाई, नो बॉल नहीं थी, पता है हम लोग को, सब देख रहे थे, नो बॉल नहीं थी, दे दी इंपायर ने, आप हार गए, मत लानी, दिल चौड़ा नहीं करते, आगे 4 मैच और हैं, हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह, सेमीफाइनल और फाइनल भी खेल लेंगे हम, पर नहीं पाकिस्तान टीम कह रही है नहीं हम तो फाइनल और सेमीफाइनल खेलने ही नहीं आए, हम तो सिर्फ एक काम करने आए कि जिम्बाब्वे से हारेंगे, इंडिया से हारेंगे, 2 मैच और खेलेंगे, 2 जीतेंगे, एक और हारेंगे अफ्रीका से और सीधा घर का टिकट पकड़ लेंगे। तो भाई काम करो, जब टिकट ही घर का पकड़ना है तो भाई पहले ही टिकट अपने बैग वगैरह पैक करो, सीधा पाकिस्तान आ जाओ यार, सीधा पाकिस्तान आ जाओ भाई, खुदा का वास्ता है पाकिस्तानी।